झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे आकाशवाणी भोपाल सुनने वाले सभी ओ श्रोताओं को झूला सविता देवी धीरे का से नमस्कार। झुलाओ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। बनवारी, अरे सांवरिया ना। सबसे पहले तो सविता जी, आपका आकाशवाणी के नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है श्रोताओं से मुखातिब होते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। भोपाल की जो श्रोतागण है, ऐसे श्रोता बहुत कम मतलब देखने को मिले, या मेरी अपने अनुभव से ही कहूंगी, जितना वो संस्कृति संगीत और तो साहित्य के लिए कार्य कर रहे हैं, सचमुच सराहनीय है। अच्छा सविता जी, आप उस परिवार से आती हैं जिसमें संगीत रचा बसा रहा शुरू से ही। सिद्धेश्वरी जी, आपकी माता जी ने आपको बहुत ही अच्छी तालीम दी। आज जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो क्या याद आता है आपको? देखिए, उस समय की बात अलग थी। बातचीत, व्यवहार और रियाज, ये सारी चीजें, उस समय टेप रिकॉर्डर नहीं था, मशीनरी चीजें नहीं थी, तो मुंह जबानी याद करना पड़ता था ज्यादातर। हमारी माँ तो लिखती भी नहीं थी, उनको तो बरजबान मतलब पूरा उनको जबानी याद होता था। आजकल इतने साधन हो गए हैं, लेकिन गुरुमुख, ये संगीत विद्या ऐसी है कि गुरुमुखी विद्या है। जब तक गुरु के सामने बैठ के न उसको किया जाए, वो अनुभव, वो तालीम, वो शिक्षा एक अलग चीज है। तो आज आप ये मानते हैं कि वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो स्नेह, वो त्याग कहीं गुम सा हो गया? कुछ कम तो हो गया है, लेकिन मेरे पास जो लोग आते हैं, भावना होती, श्रद्धा होती, कि वो चीज अब कम देख रहे। आपने एक लंबा सफर तय किया है गायकी में। माता जी के साथ साथ आपने और कौन कौन से गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया जिनके आप शुक्रगुजार रहेंगे, ऋणी रहेंगे हमेशा? हमारी माँ की इच्छा से हमने पंडित मणि प्रसाद जी, पंडित दलीप चंद्र बेदी जी से भी ख्याल गायन की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जिसे कहते हैं रुचि की बात होती है ना, हर विधा मैंने ख्याल भी सीखा, ध्रुपद भी सीखा, चतुरंग भी गाती हूँ मैं, बहुत पुरानी बंदिश है, बचपन में सीखी थी। ठुमरी गायन मुझे विशेष पसंद है, और हमारा घराना भी है, बनारस घराना, और माँ कहती थी कि उसको समझो, जो जैसे कोई भी बंदिश है, जब मान लो कि रस के भरे तोरे नैन आजा संवरिया तो है गरबा लगा लो, पहले उसके भाव को समझो फिर उसे गाओ। उपशास्त्रीय संगीत को जो कलाकार आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें से आप एक खास हस्ताक्षर हैं। इस परंपरा में आप क्या देखती हैं कि कितना रस है उपशास्त्रीय संगीत में, कितनी मिठास है और लोगों का कितना जुड़ाव है इससे? बहुत जुड़ाव है। अगर रस नहीं होता तो आप क्यों सुनते? अगर रस नहीं होता तो आप उसको क्यों अपने तरफ खींच करके उसको रस में डुबोना चाहते हैं? राग है, स्वर है, भाव है। जो कलाकार है, जो गाने वाला संगीतकार है, या शास्त्रीय संगीत या उपशास्त्रीय गाता है, स्वरों के माध्यम से, गायकी के माध्यम से शैली है, अर्थ है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर। तो उपशास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या विशेष प्रयास कर रही हैं? काफी प्रयास किया है मैंने। माँ के नाम से एक अकेडमी बनाई है, सिद्धेश्वरी देवी अकेडमी ऑफ इंडियन म्यूजिक, और श्रद्धांजलि के रूप में मैं हर साल प्रयास तो मैं करती हूँ। और ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए, विद्या दान तो बहुत बड़ी चीज होती है। सविता जी, इस समय चल रहा है श्रावण मास, और ये मास गायकों को, संगीतकारों को बहुत लुभाता है, बहुत ही कुछ गाने की इच्छा होती है। गजरी, झूला, चैती, दो लाइन आपकी मीठी आवाज में हमारे श्रोताओं के लिए। एक झूला आपको सुना देते हैं। राधा झूले कृष्णा झूलावे, कृष्णा झूले राधा झूलावे, लचके कदम वाकी डारी, अरे सावरियाना। बस और क्या सुनाऊं बताओ। सोने लाके सैया मोरा जोगी भैन रे, हमा हूँ जोगी ना हो जा, आबे सुनी लाके सैया मोरा जोगी भैन रे, जोगिया बजावे ला की गिरिया रे, जोगिनी त गावाले मला आर सुनीला के सैया मोरा जोगी बहन रे। हमसे जो आपने बातचीत की, इतना समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।